आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे रहिए। और आइए डिस्कस करते हैं, आज का साइंस का लेक्चर है। और हाँ, ये जो लेक्चर है दोनों लैंग्वेज में है, मोस्टली हमें दोनों लैंग्वेज में बोला है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, और डबल वीडियो बनाना दोनों लैंग्वेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो एक ही वीडियो में दोनों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए अपन लोग डिस्कस करते हैं, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। जी हाँ, मानव का उद्विकास, कैसे मानव आया। जैसे हम सभी जानते हैं कि अर्थ पे सबसे पहले आई क्या, मछलियां। मछलियों से भी धीरे धीरे डेवलप होके बहुत ज्यादा डेवलप हुए और फिर हम आए, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन आज हम स्पेसिफिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्प किया है हमारी चार्ल्स डार्विन ने। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। दो बुक पब्लिश की थी इन्होंने, पहली जो बुक की थी वो की थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, एंड जो सेकेंड सॉरी द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में। ये दोनों बुक जब पब्लिश हुई तो इन दोनों बुक में जो चार्ल्स डार्विन कहना चाहते थे वो ये था कि चाहे वो आपका मंकी हो, चाहे आपका ऐप हो या आपका ह्यूमन हो, मतलब चाहे वो आपका कपी हो, बंदर हो या मानव हो, कोई भी हो, उनके एंसेस्टर जो है, उनके जो पूर्वज हैं, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, लेकिन इनकी जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। समझना, एंसेस्टर एक ही है, ऐसा नहीं है कि मंकी किसी और से, ऐप किसी और से, ह्यूमन किसी और से, नहीं, इनके जो एंसेस्टर है वो एक ही है, लेकिन जो टाइम है वो अलग अलग है। तो आइए हम समझते हैं कैसा क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट स्रूज की, जिसको हिंदी में बोलते हैं गज स्रूज। एलिफेंट जो स्रूज है, ये एक्चुअली इसका नाम ऐसा नहीं है कि जो एलिफेंट नाम है तो हाथी जैसा होगा, इतना बड़ा होगा, जी नहीं। आइए देख लेते हैं ये कैसे है। तो ये कुछ ऐसे हैं, तो जो समझ में आया आपको, हाँ, इनका जो एलिफेंट स्रूज था, जो इसका जो मुंह का जो जेस्चर था वो हाथी जैसे था, बाकी जो शरीर था वो चूहे जैसे था, ठीक है। तो सबसे पहले ए आए, ठीक है, कब आए, ए आए क्रिस्टियस कल्पा में, कब आए क्रिस्टियस कल्पा में, और जो क्रिस्टियस कल्पा कब था, आज से 10 करोड़ वर्ष पहले, जी हाँ 10 करोड़ ईयर एगो, आज से 10 करोड़ ईयर एगो सबसे पहले आए आपके एलिफेंट स्रूज, ठीक है। एलिफेंट स्रूज 2 करोड़ वर्ष तक यही चलता रहा, एलिफेंट स्रूज ही रहे, फिर इनमें चेंज आना स्टार्ट हुआ, मतलब आज से 6 करोड़ ईयर एगो हुआ कि इनकी स्पीसीज में कुछ डिफरेंट आना चालू हुआ। जी हाँ, बदलाव आना चालू हुआ, क्या चालू हुआ, अब आया इन्हीं की स्पीसीज का विकास हुआ, डेवलप हुआ, और आया ट्री स्रूज। जी हाँ, ट्री स्रूज, ट्री स्रूज इन्हीं के ऐसे थे, लेकिन थोड़ा सा जेस्चर में अंतर आया, लेकिन ये कहाँ रहने लगे, ये रहने लगे पेड़ पे। जी हाँ, ये कहाँ रहने लगे, पेड़ पे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्री स्रूज या हिंदी में वृक्षाश्रयी। कब आए, ये आए आपके प्रोसीमियन एंसेस्टर, ये ह्यूमन के क्या कहे जाते हैं, प्रोसीमियन एंसेस्टर, जबकि जो आपके एलिफेंट स्रूज हैं ये पहले मेमेरियल यानी कि स्तनधारी, यानी कि पहले स्तनधारी थे, इनको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अभी क्या रहने लगे, पेड़ पे रहने लगे। इनकी ट्री स्रूज की भी स्पीसीज कई टाइम तक लगभग 50 लाख ईयर एगो तक ऐसी चलती रही, 50 लाख ईयर एगो तक ऐसी चलती रही, फिर क्या चेंज आना यार स्टार्ट हुआ, मतलब आज से 5.5 करोड़ ईयर इन्हीं की स्पीसीज डेवलप हुई, और 3 स्पीसीज में डेवलप हुई है, इन्हीं के जो बच्चे आए वो 3 स्पीसीज बन गए, पहले लीमियस, सेकेंड लॉसिस एंड थर्ड टार्सियस, इस तरीके की इनकी 3 स्पीसीज आई, लीमियस, लॉसिस और टार्सियस। आप देख रहे होंगे टार्सियस में, देखिए टार्सियस में आपको छोटे मंकी की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना टार्सियस छोटे मंकी की तरह, जी हाँ, ये जो ट्री स्रूज थे उनकी सबसे डेवलप स्पीसीज थी, जिनको क्या बोला गया, लिटिल मंकी, क्या बोला गया, लिटिल, जो आपके ट्री स्रूज हैं इनको ह्यूमन का प्रोसीमियन एंसेस्टर कहा गया, जिनसे इन 3 लोग आए हैं, लीमियस, लॉसिस और टार्सियस, इनके जो एंसेस्टर थे इनको प्रोसीमियन एंसेस्टर कहा गया, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिर क्या हुआ, इन तीनों में क्या हुआ, डेवलप हुआ, फिर आए इनके एंथ्रोपाइड एंसेस्टर। एंथ्रोपाइड एंसेस्टर में 3 स्टॉक थे, 3 वंश थे, मंकी स्टॉक, एप स्टॉक और ह्यूमन स्टॉक।
बंदरबंस, कपीबंस और मानवबंस। आइए एक एक को अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रोपाइड एंसेस्टर के बारे में। सबसे पहले जो अपन लोग टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं मंकी स्टॉक। जी हाँ, मंकी स्टॉक आज से 4 करोड़, याद रखिएगा, मतलब जो टार्सियस आए थे 5.5 तक, वो 50 लाख साल तक छोटे बंदर ही रहे। फिर 50 लाख साल बाद, कितना, 50 लाख साल बाद, मतलब 4 करोड़ में उनमें डेवलप हुआ। अब वो क्या बन गए, प्रॉपर मंकी बन गए। और एक कहां मिले आपको, ये मिले आपको साउथ और सेंट्रल अमेरिका में। और इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया मंकी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जी हाँ, इन्हें मंकी ऑफ न्यू वर्ल्ड या मॉडर्न वर्ल्ड, विश्व का नया बंदर कहा गया। किनको, मंकी को। कब, 4 करोड़ ईयर एगो। ओके, 4 करोड़ ईयर एगो। जी हाँ, फिर क्या हुआ, इनको एक और नाम दिया प्लेटीलाइन, एक और नाम दिया गया ऑल्गियोपिथेकस। जो मंकी स्टॉक था जो आज से 4 करोड़ वर्ष पहले आया था, उनको ऑल्गियोपिथेकस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एप स्टॉक। एप स्टॉक की अगर अपन लोग बात करते हैं तो एप स्टॉक आए थे आज से 3 करोड़ वर्ष पहले। 1 करोड़ तक तो मंकी का ही पूरा वो रहा, लेकिन फिर आए आपके एप स्टॉक। एप को हिंदी में बोला जाता है कपी, बानर, ठीक है ना, बानर और बंदर में अंतर होता है, तो क्या बोला जाने लगा, कपी। ओके, फिर क्या हुआ, आज से फिर इनके कुछ फॉसिल मिले, मींस जीवाश्म मिले, पैथेकस और इजिप्टोपैथेकस, तो इनके फॉसिल मिले, किनके, एप के। आज से कब, आज से 3 करोड़ साल पहले। और इन्हीं को बोला गया प्रीमिएटिव एप या आदि कपी। जी हाँ, क्या हुआ, 2.5 करोड़ साल पहले 2.5 करोड़ ईयर एगो क्या हुआ, जो इंडिया की शिवालिक माउंटेन है, हिमालय की जो सबसे नीचे वाली रेंज है, उसको बोलते हैं शिवालिक माउंटेन। वहां पे 2 टाइप के फॉसिल मिले, किसके, एप के। 2 टाइप के फॉसिल मिले, जीवाश्म, जीवाश्म जानते हो ना क्या होता है, स्कल, खोपड़ी, दांत, बोन्स, ये सब क्या होते हैं आपके, फॉसिल होते हैं। ये कहां मिले आपको, वो मिले आपको शिवालिक, शिवालिक रेंज में, चट्टानों के नीचे दबे, उनको बोला रायोपेथेकस या शिवोपेथेकस। ठीक है, शिवोपेथेकस से ही ह्यूमन का डेवलप हुआ, किसका हुआ, ह्यूमन, कितनी लंबी प्रोसेस है ना, शिवोपेथेकस से ही किसका डेवलप हुआ, ह्यूमन का डेवलप हुआ। ओके, एप की कई स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे गिब्बन हो गया, सिमोंग हो गया, जो आपके चाइना मलाया में मिलती हैं, और गुलेरा और चिंपांजी आपके अफ्रीका फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो ये आपके आज भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन स्टॉक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन स्टॉक। ठीक है, ह्यूमन स्टॉक की अगर अपन लोग बात करें, आप लोगों को पीछे समझ में आया ना अच्छी तरीके से, सबसे पहले आए आपके एलिफेंट शूज 10 करोड़ ईयर बाद, फिर आए आपके ट्री शूज 6 करोड़ ईयर है वो, देन आए आपके 3 स्पीसीज चेंज हुई 5.5 करोड़ साल पहले, लीनियस, लॉसिस, टार्सियस डेवलप हुआ, फिर आए आपके एंथ्रोपाइड एंसेस्टर, जो कि आपके फिर वंशज आए, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन स्टॉक। ह्यूमन स्टॉक की अगर अपन लोग बात करें तो भाई ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आइए डिस्कस करते हैं राम पिथेकस और कीनिया पिथेकस। जी हाँ, नाम ही आपको इंडियन टाइप के लग रहे हो, राम, ठीक है, तो राम पिथेकस और कीनिया पिथेकस। जी हाँ, ये इंडिया में जो एप के जो शिवोपेथेकस एप थे ना, उन्हीं के जो फॉसिल मिले हैं वो उनके अलग अलग डिफरेंट नाम थे, राम पिथेकस और कीनियन पिथेकस। ह्यूमन का फर्स्ट एंसेस्टर बोला गया है। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया कि मानव के फर्स्ट एंसेस्टर कौन है, तो आपका सीधा नाम होगा राम पिथेकस या कीनिया पिथेकस। ओके, फिर क्या हुआ, फिर चीजें और डेवलप हुई और आए आपके ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो थे वो आज से 36 लाख करोड़, जी हाँ 36 लाख, बहुत लंबा सफर करके पलकोलम पास में आते जा रहे हैं, 36 लाख ईयर एगो। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को ही प्रीमेटिव ह्यूमन या आदि मानव बोला गया है, वो कुछ ऐसे दिखते थे आपके, ये रहे आपके आदि मानव। ठीक है, देख पा रहे हो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो फिर आपके नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद
फिर आया आपके पेरेंथ्रोपस या जिजेंथ्रोपस, जी हाँ पेरेंथ्रोपस या जिजेंथ्रोपस, जो कि आज से 16 से 18 साल 18 लाख साल पहले आए, ठीक है। ये जो कैसे दिखते थे, इनका जो जेस्चर होता था वो होता था गोरिल्ला जैसा, जी हाँ गोरिल्ला जैसा इनका जेस्चर होता था, कौन सा जिजेंथ्रोपस, पेरेंथ्रोपस का, ठीक है। तो फिर ये कहाँ रहते थे, ये मिले आपको अफ्रीका में, कहाँ मिले, जो आपके पेरेंथ्रोपस थे या जिजेंथ्रोपस थे इनको बोला गया, इनका जो जेस्चर था वो गोरिल्ला जैसा था, जी हाँ बहुत भारी भरकम शरीर और बाल, शरीर पे बाल बिल्कुल एकदम गोरिल्ला जैसे थे, जो अफ्रीका के फॉरेस्ट में एट प्रेजेंट भी पाए जाते हैं, एट प्रेजेंट भी आपको अफ्रीका के फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, ओके। फिर इनने जो फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेसिस एफेरेंसिस नेक्स्ट आए आपके, किसके बाद, जिजेंथ्रोपस के बाद आए आपके ऑस्ट्रेलियोपिथेसिस एफेरेंसिस, एफेरेंसिस, ठीक है। इन्हीं को बोला गया प्रीहिस्टोरिकल ह्यूमन, प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन या प्रेग ऐतिहासिक मानव। आपको पता है हिस्ट्री में अपन लोग एक एरा पढ़ते हैं प्रीहिस्टोरिक एज, वो अब से शुरू हुई है, समझ में आया ना, जो वो अब एज आई है वो प्रीहिस्टोरिक जो एज आई है वो अब से शुरू हुई है, मतलब इसके पहले बहुत लंबा इतिहास रहा है, किसका, ह्यूमन डेवलप का, समझ में आई ना। हिस्ट्री में जो अपन लोग एक एज पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक एज या प्रेग ऐतिहासिक एज, वो अब चालू हुई है, वो अब चालू हुई है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एफेरेंसिस से। इसके पहले बहुत लंबा इतिहास रहा है ह्यूमन का, ह्यूमन बहुत लंबा सफर करके यहां तक पहुंचा है, कहां तक, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन या प्रेग ऐतिहासिक मानव तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आए जो होमो हैलिवस थे, इन्होंने एक नया काम स्टार्ट किया, हथियार बनाना सीखा, जी हाँ वेपन्स का बनाना सीखा, इसलिए इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया वेपन्स मेकर, वेपन्स मेकर, किसको, होमो, होमो हैबिलिस को, होमो हैबिलिस को क्या बोला गया, वेपन्स मेकर, हथियार बनाने वाले, ओके। हथियार किससे बना रहे थे, क्योंकि क्या चल रही है, प्री हिस्टोरिक एज, तो इसी में, इसके बीच में क्या स्टोन एज आई होगी ना, स्टोन एज की बात ही हो रही है ना, प्री हिस्टोरिक और स्मेकर या हथियार का निर्माण करना बोला गया, किसको, होमो हैबिलिस को। ये आपको याद है ना, स्टोन एज पत्थर से क्या बना रहे थे, टूल्स बना रहे थे, पत्थर से क्या कर रहे थे, हथियार बना रहे थे, कौन, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन। तो आपको याद आया ना हिस्ट्री, और ये आपका जुड़ गया है थोड़ा सा सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आए, ये भी कहां मिले आपको, ये मिले आपको 16 लाख ईयर एगो, और कहां पे मिले, अफ्रीका में, कहां पे मिले आपके, अफ्रीका में। नेक्स्ट आए आपके, आपके होमो हीडलबेगेंसिस, जी हाँ होमो हीडलबेगेंसिस आए आपके, ये मिले आपके जर्मनी में, कहां मिले बेटा, जर्मनी में, और आज से 10 लाख साल पहले, जी हाँ 10 लाख ईयर एगो, कब मिले, 10 लाख साल पहले, कहां मिले, जर्मनी में, ओके। होमो इरेक्ट, इरेक्ट, जी हाँ ये आपके मिले हैं चाइना में, इन्होंने शार्प वेपन्स जो नुकीले हथियार थे ना, अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन लोगों ने जो शार्प वेपन या नुकीले हथियारों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो प्रेहिस्टोरिक ह्यूमन आए ना, तो इन्होंने क्या किया, इस टाइम पे चली थी स्टोन एज, जी हाँ पत्थर से क्या बनाए जा रहे थे, वेपन्स बनाए जा रहे थे, हड्डियों से, पत्थर से क्या बनाए जा रहे थे, वेपन्स बनाए जा रहे थे। तो उनको क्या किया गया, उनको और पत्थर से, पत्थर को काट के क्या किया गया, नुकीला किया गया या शार्प किया गया, बहुत ज्यादा धार वाला किया गया, बहुत ही ज्यादा पत्थर से पत्थर को काट के, वेपन्स किसके बनाए जा रहे थे, जो भी टूल्स बनाए जा रहे थे या वेपन्स बनाए जा रहे थे वो किसके बनाए जा रहे थे, वो बनाए जा रहे थे आपके बोन्स के या स्टोन के, याद रखिएगा। वेपन्स का यूज कहाँ हो रहा था, वेपन्स पत्थर को या फिर आपके स्टोन को फेंक के जानवरों को पकड़ो और उसको क्या करो, खाओ पियो, ठीक है, जिनको, क्योंकि और कुछ तो था नहीं, फल फूल खाना यही सब था इनके पास। तो नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग, होमो इरेक्टस इरेक्टस, तो इनने क्या किया, इन्होंने शार्प वेपन्स या फिर नुकीले हथियार बनाना स्टार्ट किया, और कहां किए, चाइना में, ठीक। अब क्या हुआ, जब ये पत्थर से पत्थर को काट रहे थे, पत्थर से पत्थर को काट के शार्प बना रहे थे या नुकीला बना रहे थे, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, आग का आविष्कारक, जी हाँ फायर भी इन्हीं ने फाउंड किया था, किन्ने, होमो इरेक्टस इरेक्टस ने, याद रखना होमो इरेक्टस से ही आपके ह्यूमन आए, होमो सेपियंस, कौन आए, होमो सेपियंस,
होमोसेपियंस की जिनकी अपन लोग बात करने जा रहे हैं। होमोसेपियंस भाई अभी खुशमत हो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अपन नहीं है, ये अपने एंसेस्टर हैं, अपन नहीं है। अभी दो तीन और आएंगे वैरायटी, उसके बाद अपन आते हैं, ठीक है। तो होमोसेपियंस आए, होमो जिन्हें अपन लोग मॉडर्न ह्यूमन या आधुनिक मानव कह सकते हैं। होमोसेपियंस जो होमोसेपियंस से जो अपनी न्यू स्पीसीज आई उसको बोला गया होमोसेपियंस नियंडरथैलेसिस, 1.5 लाख साल पहले। जी हाँ, 1.5 लाख ईयर है वो, कौन? नियंडरथैलेसिस, ठीक है। फिर इसके बाद आए होमोसेपियंस फैसिलिस, जो कि आए आज से 1 लाख साल पहले या 1 लाख ईयर एग। कौन आए? होमो फैसिलिस, होमोसेपियंस फैसिलिस, पूरा नाम था होमोसेपियंस फैसिलिस। मैग्नो ह्यूमन भी बोला गया, क्या बोला गया? क्रो मैग्नो ह्यूमन भी इनको बोला गया, ओके। मतलब इनसे ही आए होमोसेपियंस सेपियंस, मतलब हम और आप हो। अब अपन लोग आ गए हैं, ये अपन लोग ही हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनकी, अब होमोसेपियंस जो अपन लोग हैं, अब अपन लोग में भी आप अंतर देखते होंगे। अगर आप अफ्रीका साइड जाओ तो आप लोगों को अलग टाइप के ह्यूमंस मिलेंगे, मतलब अपने लोगों में वैरायटी है। अगर आप चीन साइड जाओ तो भी वहां पे अपन लोगों को अलग मिलेंगे, और अपन तो अलग है ही। तो इस तरीके से इनकी ज्योग्राफिकल जो स्पीसीज थी, और वैसे एक बात बता रहे हैं आपको, एक नोट है, जो होमोसेपियंस थे, होमोसेपियंस ही पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे। और फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, क्लाइमेट के कारण, मतलब वातावरण के और एनवायरमेंट के कारण, फिर अलग अलग ग्रोथ हुई। मतलब उन लोगों के जेस्चर, उनका शरीर की बनावट थी, उसमें फिर चेंज होने लगा अलग अलग, किसके? ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण। जो होमोसेपियंस थे उनमें क्या होने लगा? चेंज होने लगा। तो जो होमोसेपियंस सेपियंस आए, मतलब जो अपन लोग हैं, वो ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण अलग अलग है। जैसे जैसे सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें, अगर सबसे पहले बात करें तो वो है क्रोकेसाइट्स। जी हाँ, जो क्रोकेसाइट्स थे, जो क्रोकेसाइट्स थे वो आपके अफ्रीका, इंडिया, यूरोप और रशिया, यहाँ पे। मतलब पूरे वर्ल्ड की आज 1/3 जो पॉपुलेशन है वो आपकी क्रोकेसाइट है, ठीक है। जो कि आज अपन लोग हैं, इनका कलर अपने जैसा नॉर्मल होता है, किसी का आपको डिफरेंट कलर के मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम व्हाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा व्हाइट अपन लोग अंग्रेजों को बोलते हैं। तो अपन लोगों का कलर नॉर्मल, बाल भी आपको घुंघराले भी मिलेंगे, प्लेन भी मिलेंगे, कर्ल भी मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप के जेस्चर भी मिलेंगे, जैसे हम आप लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके निग्रोइड जो थे, वो आपके अफ्रीका, अंडमान निकोबार, पैसिफिक यूरोप और मलाया, इन सब में मिलेंगे आपको, ठीक है। और फिर थे आपके मंगोलाइड। जी हाँ, मंगोलाइड मतलब चीन, जैसे कि आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश का अपना लास्ट वाला जो एरिया है वो मंगोलाइड है। तो चीन और आपके मंगोलिया, इन सब में आपको इस तरीके की स्पीसीज मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो पूरा जेस्चर है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और प्लीज अच्छे तरीके से समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमें कमेंट करिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए बस। जो कि ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये कि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े, ओके। धन्यवाद।